नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कहते हैं ना, भूख के दर्द का एहसास उसी को होता है जो कभी भूखा रहा हो। भूख से आज भी ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये पेट की भूख ही है जो एक लंगड़े को उसकी बेबसी लाचारी ने पेट की भूख मिटाने को दो वक्त की रोटी तलाशने के लिए कांटों पर चलना सिखा दिया। आपने सुना तो होगा कि पेट की भूख दो वक्त की रोटी तलाशने को मजबूर कर देती है। दरअसल चिखली गांव के रहने वाले जितेंद्र यादव, जो एक पैर से 60% विकलांग है, घर से माता पिता और छोटा भाई है, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, पर गरीबी की मार नहीं झेल पाने की वजह से दोनों भाइयों की पत्नियां उनको छोड़कर चली गईं। परिवार चलाने के लिए छोटे भाई ने मजदूरी करना शुरू कर दिया, तो वहीं विकलांग जितेंद्र ने मजबूरी में परिवार का भरण पोषण करने के लिए बकरियां चलाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से एक विकलांग हूँ सर, मेरा माँ बाप गरीब है, मैं बकरी चलाता हूँ। उसी से बकरी की 40-50 है मेरे बकरी, उसी से मेरे माँ बाप का व्यवसाय करता हूँ मैं। बता दें कि विकलांग जितेंद्र ने मजबूरी में बकरियां चलाना तो शुरू किया, लेकिन विडंबना यह है कि उसके पास चलने के लिए कोई साधन नहीं है, तो लड़खड़ाते हुए लकड़ियों के सहारे तो कभी बिना किसी सहारे के ही अपना काम करता है। दिव्यांग ने बताया कि वो सरकारी मदद के लिए कई बार दर दर भटका, पंचायतों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, ना सरकारी अमला मिलने आया और ना ही कोई मदद की। बिल्कुल, आपके माध्यम से मुझे पता चला, यदि उसकी जितने भी विकलांगता का प्रतिशत रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको सुविधाएं दी जाएगी, और कोई भी किसी तरह की मदद देगी तो प्रशासन पूरी तरीके से उसकी मदद करेगा। महिला बाल विकास व समाज कल्याण के मंत्री अनिला भेड़िया की विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र की सुध किसी ने नहीं ली। इस बात की जानकारी मंत्री के प्रतिनिधि पीयूष सोनी को लगी तो उन्होंने सबसे पहले साधना टीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके माध्यम से कई मुद्दों को उठाया गया है। इससे पहले भी असवंती का मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया था, उसे भी 3 दिन के अंदर ट्राई साइकिल और सरकारी मदद मिल गई थी। ये बात संज्ञान में आई है कि डोंडी मिला के चिखली गांव में जितेंद्र यादव जी की ये परिस्थिति आपके द्वारा पता चला है। रहा सवाल समाज कल्याण विभाग के विषय में सुविधा देने की बात, तो शासन के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी सुविधा उनको प्रदान किए जाने का निर्धारित रहेगा, हम लोग उसको अभी तत्काल उसको पहल करके समाज कल्याण विभाग के उपयुक्त कक्ष में बात करेंगे। सरकार की गाइडलाइंस के तहत दिव्यांग जितेंद्र यादव को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं इस पूरे मामले में बालोद कलेक्टर जन्मजय मोहबे ने बताया कि उसे विकलांगता के परसेंट के हिसाब से ट्राई साइकिल दी जाएगी, और भी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वह भी की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि लाल फीताशाही और दलालों की वजह से कई गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।